ज्वालामुखी के अद्वानी में स्थित गौशाला को खोलने पर इसका विरोध करने वाले लोगों का मुद्दा एक बार फिर खुले मंच में खूब गरमाया। इस मामले को लेकर अद्वानी का एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि मंडल भारी संख्या में उपस्थित होकर स्थानीय विधायक के पास गौशाला को न खोलने की मांग को लेकर फरियाद लेकर पहुंचा। इन लोगों ने अद्वानी में गौशाला को खोलने का विरोध किया था, साथ ही इस स्थान की जगह कहीं और गौशाला को खोलने की बात धवाला के समक्ष रखी। वहीं दूसरी ओर एक अन्य गौ सेवा रक्षा समिति ने धवाला के समक्ष गौशाला को खोलने की फरियाद की। इस मामले को लेकर धवाला ने कहा कि यदि अद्वानी में लोग गौशाला नहीं खोलना चाहते तो विकल्प के तौर पर सुंदगल में 600 कनाल की भूमि में गौशाला खोलने की प्रपोजल सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि FCA से क्लियरेंस मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और यहां लगभग 1000 से ऊपर गौवंश को रखने की क्षमता होगी। ऐसे में इस गौशाला में पूरे विधानसभा में जितने भी आवारा पशु हैं इससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। सीएम के गृहजिला मंडी का राजेंद्र ठाकुर कर्नाटक में होने वाली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में दमखम दिखाएगा। इंटर यूनिवर्सिटी में शानदार प्रदर्शन के लिए इन दिनों राजेंद्र कड़ी मेहनत कर रहा है। राजेंद्र ठाकुर बल्लभ कॉलेज मंडी में BCA द्वितीय वर्ष का छात्र है। आपको बता दें कि सिराज में हुई इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री में राजेंद्र ने तीसरा स्थान हासिल किया था। अब राजेंद्र का चयन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। आगामी 6 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलोर यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी। राजेंद्र के शानदार प्रदर्शन से बल्लभ कॉलेज मंडी में खुशी की लहर है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने राजेंद्र को इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री में मिले प्रमाण पत्र को देखकर सम्मानित किया और इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। बल्लभ कॉलेज में कार्यरत फिजिकल एजुकेशन के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सेन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप लंबाथाच कॉलेज में हुई थी, जिसमें प्रदेश भर से 38 कॉलेजों के 300 से अधिक धावकों ने भाग लिया, जिसमें राजेंद्र को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांस्य पदक मिलने पर उन्हें बेहद खुशी है। अब वे इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर मेडल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में राजेंद्र के प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर शानदार प्रदर्शन करने पर मंडी कॉलेज का नाम देश भर में छा सकता है। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव लोधवा की रहने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी बेटी सोमा देवी, जिसके साथ किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनी ने करार किया हो, जिसने हर खेल में मेडलों का घर तांता लगाया हो। वो खिलाड़ी आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, लेकिन उसका जज्बा देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करना है। सोमी देवी से बात की तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। सोमी देवी खुद दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी पढ़ाई और खेलों का खर्च उठा रही हैं। आम खेलों में आर्थिक स्थिति आड़े आ जाने के कारण सोमी देवी ने प्रोफेशनल खेलों की तरफ अपना रुख किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए इन खेलों के प्रति बड़ी मेहनत से जुनून पैदा किया। सोमी देवी अपना कुछ हद तक खर्चा दंगल और मैराथन दौड़ जीतकर भी चलाती हैं। कॉलेज तक जाने के लिए पैसे तक नहीं है, फिर भी पढ़ाई का जज्बा बरकरार है और नूरपुर कॉलेज में पढ़ने को जाती हैं। आपको बता दें कि परिवार के पास सिर ढकने के लिए एक सही आशियाना भी नहीं है। जर्जर हालत में कच्चा मकान है, अपने पास अपनी कोई जगह भी नहीं है। उनके पिता भीम बहादुर का कहना है कि वे 40 साल से हिमाचल में रह रहे हैं, लेकिन पैसा न होने के कारण एक फुट जगह भी नहीं है। बीमार पिता की नम आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। सोमी देवी की 4 बहनें और 3 भाई हैं। सभी बहनें स्कूल पढ़ रही हैं और उनका खर्च वो छुट्टी वाले दिन मजदूरी करके करती हैं। जिन योजनाओं का सरकार बहुत जोरों शोरों से प्रचार और प्रसार करती है, ऐसी कोई भी सुविधा परिवार के पास नहीं है। न तो परिवार के पास
ढंग का शौचालय है ना उज्ज्वल योजना वाला गैस कनेक्शन, यहाँ तक कि स्वच्छ पीने के जल के लिए भी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। सोमी देवी का इसी साल अंत में वर्ल्ड क्वालिफायर चैंपियनशिप होना है, लेकिन जहाँ अमीर खिलाड़ी अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये गरीब परिवार चावल का लेगड़ू खाने तक माकूल है। इस हालत में कैसे होगा देश और प्रदेश का नाम रोशन। सोमी देवी की बहनें आरती, सुनीता और शकुंतला भी खिलाड़ी हैं और जिला स्तरीय खेलों में गोल्ड लेकर आई हैं। लेकिन उनकी बहनों का कहना है कि मेडलों से पेट नहीं भरता, उसके लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है और लोग बस बाह-बाही ही देते हैं। सोमी देवी का कहना है कि वो इंदौरा विधानसभा से आती हैं, लेकिन उनको किसी ने सम्मानित नहीं किया और ना ही हमारी पारिवारिक स्थिति को जानना बेहतर समझा। सोमी देवी का कहना है कि हम सभी बहनें देश प्रदेश का नाम ऊंचा करना चाहती हैं, पर गरीबी हमारी पढ़ाई और खेल के बीच रोड़ा बन रही है देश के लिए। और जो आपकी बहनें हैं, दो क्या नाम है उनका? मेरी सिस्टर आरती और सुनीता, वो भी मेडल लेके आई हैं। वो इस बार स्कूल पे मेडल ले निकाला उन्होंने, एक ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल निकाला है और एक ने जूडो में निकाला है वो गोल्ड मेडल, बाकी में उनका सिल्वर है, कुश्ती में सिल्वर है उसका और उसका कुमारी का भी सिल्वर है, दोनों सिस्टर। मैं सुनील देवी के पिताजी हूँ। कब से हो यहाँ पे आप?